चुनाव से पहले विवादित बयानबाजी शुरू हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर से आतंकी बिहार आ जाएंगे। वैशाली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने यह भी कह डाला कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए आतंकवादी और पाकिस्तान से भी समझौता कर सकता है। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप के पैच भी चुनाव के लिए मांगा आशीर्वाद। राबड़ी देवी ने की तेजस्वी और तेज प्रताप की तारीफ। सरकार आरजेडी बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आपका बिहार हर धरने पर पनाह ले लेगा। तेजस्वी यादव का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। नामांकन से पहले बोले, बिहार के बेरोजगार किसान, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, गरीब के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तेजस्वी यादव ने नामांकन करने से पहले और बाद में नीतीश कुमार को चुनौती दी कि कहा चुनाव लड़कर दिखाएं नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कल समस्तीपुर के हसनपुर सीट के लिए रोसड़ा सीट से नामांकन किया था। इस बार तेजप्रताप ने अपनी सीट बदल दी है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुभाषिनी यादव को बिहारीगंज से उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाएगा। वर्चुअल के बाद आज से सीएम नीतीश कुमार का एक्चुअल रैलियों का आगाज होगा। बांका, भागलपुर, मुंगेर और पटना में आज नीतीश कुमार चार चुनावी जनसभाएं करेंगे।